हेलो गाइस, बैक अगेन विद अनदर न्यू व्लॉग। तो अभी हम तैयार हो चुके हैं और निकल रहे हैं कॉलेज के लिए। ये देख लीजिए, पहन लिया जूते वूते और बिल्कुल रेडी, और अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, अभी हम कॉलेज जा चुके हैं। तो आज राहुल भाई की फीस भी करनी थी, मैं दर चो एक तो क्या कह बस फाइन लगा रहा हूँ, फाइन लगा रखा है इसके कॉलेज में, इसके 1150 रुपये का, सिर्फ 3 दिन लेट उन्नत काट दूंगी। और अभी चल रहे हैं फीस जमा करने के लिए, इसकी फीस जमा करने करते हैं, कुछ डिस्काउंट करेंगे तो कर लेंगे, वरना अमीर तो है ही शुरू से। तो अभी पहले यार फीस जमा कर लेते हैं, उसके बाद देख। तो यार कॉलेज तो सिर्फ ना हम पैसे देने के लिए आते हैं, और वो भी लेट फीस देने के लिए आते हैं। देख लिए कैसे संभाल रहा है। तो गाइस, अभी हमने फीस भर दी है और अब निकल रहे हैं घर के लिए। काफ़ी परेशान करते हैं यार ये लोग। अब भी फाइन ले पढ़ने के लिए निकल रहे हैं, ले लिया अभी जुम्मा पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे चंदी पर कुछ खाएंगे, चंदी ना बिरयानी। तो यार मेवत बिरयानी तो खाएंगे, और पहले जुम्मा पढ़ेंगे फिर खाएंगे। जुम्मा फर्स्ट। चाबी कहाँ है बहन चोद? और बाइक कहाँ है? चाबी कहाँ है? बाइक तो रही। तो चाबी हम भूल आए भाई, चाबी को लाते हैं अंदर से, चलते हैं अंदर। ए छोटू, चाबी देखी है तूने? चाबी देखी है? कोई नहीं देखी वो, एक्चुअली ना मेरी जेब में ही है, मैं जस्ट प्रैंक कर रहा था राहुल के साथ। कैसा लगा आपको प्रैंक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो गाइस, अभी यहाँ पर इरशाद भाई मिल चुके हैं। अरे तो मिल तो गए, ठीक है। लिए क्या है यार, कैमरा लेके चले? तो ये काफी गुस्सा हो रहे हैं हमारी इनकम से। तो अभी जुम्मा पढ़ कर आ चुके हैं उसामा भाई के पास, यहाँ पर हुक्का पिएगा। तो यहाँ पर अभी हुक्का पिएंगे और उसके बाद घर निकलेंगे भाई। उसके बाद घर निकलेंगे फिर। तो ये भाई अपनी बैठक है, वेलकम। और बैठक में अभी डेकोरेशन कराइए, ये घास लगाई यहाँ पर, ये पिलाई, ये कोई पेंट नहीं है, पहले एक बेड भी रख दिया यहाँ पर, जो पहले व्लॉगों में तो नहीं था, मतलब एक और व्लॉग डाला था उसमें तो बेड नहीं था। अब उसामा भाई ने यहाँ पर एक बेड भी जमा दिया है, अच्छी लग रही डेकोरेशन। तो और ये पढ़ने का कुछ सिस्टम है उसामा भाई का, ये तो तैयारी कर रहा है UPSC की। तो यार पढ़ो लिखो, IAS बनो, क्या कर रहे हो तुम भी बकचोदी। तो अभी यहाँ भाई से बिरयानी खा लेते हैं, भाई हमारे लिए बिरयानी लगा रहा है। तो भी बिरयानी खाने के बाद दही बल्ले खा लेते हैं। वही अपने मेवात की सबसे बड़ी मंडी है, जो भी फसल अपने खेतों में होती है सब यहीं पर आती है और यहीं बिकती है वो। ये यहाँ पर कुछ बाजरा पड़ा है, उधर धान रखे हैं, कपास वगैरह सब यहीं पर आता है और यहीं पर आता है सब कुछ। कुछ मजदूर काम कर रहे हैं यहाँ पर, और बोली लग रही है यहाँ पर, जो महंगे रेट होते हैं उन्हीं हिसाब से। देखो यहाँ पर ये कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मतलब इसी बारे में फसल चेक हो रही है। ये मजदूर लोग बैठे अपनी फसल लाते हैं, ट्रैक्टर खड़े यहाँ पर इतने सारे, ये मजदूरियाँ कभी लपटक जाते। देखो किस तरह मजदूरी, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़ती है जब जाकर आप लोगों तक ये अनाज पहुँचता है। तो थैंक यू। तो अभी बैंक में थोड़ा काम था, काम कराते हैं और उसके बाद चलते हैं घर। तो यहाँ राहुल अभी कुछ पैसे जमा कर रहे हैं अपने अकाउंट में, और उसके बाद तो अभी ये कॉफी और चेक करा लेते हैं। तो बैंक को काम तो पूरा हो चुका है, अभी निकलते हैं घर के लिए राहुल भाई के साथ। ये अभी ड्रॉप करेगा हमें घर पर, और उसके बाद मेरे घर तो पहुंच चुके हैं। और आज का भी लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मेरा भाई मुझे देख रहा है भी लोग बनाते हुए। तो इसके लिए भी एक लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।